या लेकिन उसको बीजेपी सरकार के कल आपने आयोजन किया, लेकिन फिर भी बीजेपी उसको मुद्दा बना रही है। कई बार युवाओं के साथ भविष्य के साथ ये मुद्दा बनाना बीजेपी के लिए महंगा पड़ेगा। कल मैं सुन रहा था राजेंद्र राठौड़ साहब को, वो जब तक बोलते नहीं है मीडिया के अंदर तब तक रात को नींद नहीं आती है, बोलना जरूरी उनके लिए, वरना उनके बोलने में कोई दम नहीं है। ये उनके उल्टा पड़ेगा, जितना विरोध करेंगे और नौजवान कहेगा मुझे जो सुविधा मिल रही है रोजगार के अवसर मिल रहे हैं उनको आप बीच में क्यों संकट पैदा कर रहे हो। ये कोई प्राइवेट प्रॉब्लम तो है नहीं, प्रोग्राम तो है नहीं, ये तो इन्वेस्टर का है। जो अभी जो 3000 लोग आए हैं, क्या 3000 लोग कांग्रेस के लोग हैं? ये लोग इसमें कांग्रेस बीजेपी कोई हो सकता है? तो ऐसी स्थिति में ये लोग क्यों इस प्रकार की अड़चन पैदा करना चाहते हैं? मैं उनको कंडेम करता हूँ, इन लोगों को, जिस प्रकार कल इन्होंने मीडिया में चलाने का प्रयास किया मिस्टर गौतम अडानी को लेकर भी। हमें गौतम अडानी हो या कोई भी अडानी हो, अंबानी हो, अडानी हो, अमित शाह के लड़के के नाम जैसा है वो हो, हम सबका स्वागत करें। यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लोग हैं, हमें तो रोजगार चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।